हमारी खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। आज की उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को मैं बहुत। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से भारत सरकार हर क्षेत्र में योजना बनाकर काम कर रही है। खेल के क्षेत्र में भी लगातार काम हो रहा है। खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए योजना बनाकर व्यापक तौर पर काम हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने दिया है। जब 10 नए खेलो इंडिया के अंतर्गत केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे फुटबॉल के लिए मुंगेली, सूरजपुर, कोरबा और बलरामपुर जिले में केंद्र खोले जाएंगे। तीरंदाजी के लिए दंतेवाड़ा और महासमुंद में केंद्र खोले जाएंगे। हॉकी के लिए बस्तर और जांजगीर चांपा में केंद्र खोले जाएंगे। कबड्डी के लिए बेमेतरा और कुश्ती के लिए धमतरी में केंद्र खोले जाएंगे। इस प्रकार से आज 10 नए केंद्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार ने प्रदान की है। पूर्व में भी 7 अलग अलग जिलों में अलग अलग खेलों के लिए केंद्र खोलने की स्वीकृति मिली है। स्थानीय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। आज की उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ के सभी खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।